झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी को झटका लगा है। केंद्र सरकार में शामिल एनडीए के प्रमुख घटक दल एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी सांसद चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी ने जिन सीटों की मांग की थी उनमें से अधिकांश पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है। चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी इस बार टोकन के रूप में दी जाने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि एलजेपी झारखंड की 50 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है और आज 12 नवंबर शाम तक पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बेटे चिराग को हाल ही में पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिराग पासवान लगातार 2 बार से बिहार से जमुई लोकसभा सीट से सांसद है। चिराग पासवान ने सोमवार को भी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर की थी। झारखंड में एलजेपी अब तक बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए का हिस्सा थी। एलजेपी ने झारखंड में एनडीए के सहयोगी के तौर पर 6 सीटें मांगी थी, लेकिन रविवार को बीजेपी ने अपने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार कर दी थी। इसके बाद ही सोमवार को चिराग पासवान ने कह दिया था, हम झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने को तैयार हैं। चिराग ने कहा था कि उनकी पार्टी इस बार टोकन के रूप में दी गई सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।